तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है क्योंकि 6 जुलाई को मतदान है और 4 और 5 दो ही दिन अब बचे हैं मतदान को लेकर। वहीं ऐसे में जनसंपर्क में भी उम्मीदवारों ने तेजी ला दी है। बात करें वार्ड नंबर 12 की तो जीनू मेहता बीजेपी से प्रत्याशी है, वो भी अपने जनसंपर्क में उन्होंने भी तेजी ला दी है और लगातार अब हर गली मोहल्लों से हर वार्ड से जो है हर उम्मीदवार हर प्रत्याशी ने अपने जनसंपर्क में तेजी ला दी है। वहीं वार्ड नंबर 12 से बीजेपी प्रत्याशी जीनू मेहता के इस जनसंपर्क को तूफानी जनसंपर्क को हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली रानी ने कवर किया है, आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली रानी। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। अब चुनाव प्रचार को केवल 2 ही दिन शेष बचे हैं और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर आशीर्वाद मांग रहे हैं, मतदाता भी भरपूर दुलार दे रहे हैं। वार्ड नंबर 12 में भी हम मौजूद हैं, यहां से जिनेंद्र जीनू मेहता चुनाव लड़ रहे हैं और वो भाजपा के एक सशक्त उम्मीदवार है, जमीनी नेता है, विकास के पैरोकार है। लोग उन्हें जबरदस्त आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं और वोट देने का वादा कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनके कुछ समर्थकों से। सर, कैसा महसूस कर रहा है आप? मैं आज ये ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारे लिए एक नया सितारा उभर के आया है और जितेंद्र मेहता बहुत भारी मतों से विजय होगा। बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद दे रहे हैं और जो समुदाय देख रहे हैं इनसे लग रहा है कि इनका बाहुबल कितना है, जन जन के नेता बने हुए हैं। मेरी इनके लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आप क्या कहेंगे सर? वार्ड नंबर 12 के लिए गर्व की बात है, ऐसा प्रत्याशी हमें दिया है जो पूर्व में भी कई बार वार्ड का विकास करता था और अभी भी हमारे वार्ड में पार्षद बन के विकास करेगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हम जिताएंगे और नगर पालिका में इनको हम भेजाएंगे, यही हमारी सोच और यही हमारी कामना और यही हमारा आशीर्वाद है। जिनेंद्र मेहता जी का वर्चस्व इसी से दिखाई देता है कि दो बड़े नेता भी आपके साथ शामिल है, अभी महेंद्र जी भटनागर और पप्पू जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, क्या कहेंगे? बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है, जीत तो पूरी निश्चित है। हम तो ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतों से ये जीते और रिकॉर्ड बना। भारत माता की जय। मैं तो दूसरे वार्ड का हूँ भैया। आप क्या क्या समझते हो? इस वार्ड में भाई जिनेंद्र जी मेहता ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे और वार्ड का भरपूर विकास करेंगे, यही हमारी है और यही शुभकामना उनके लिए। वार्ड की समस्याओं के बारे में थोड़ा सा बताइए भाई साहब। वार्ड की कोई समस्या नहीं है, कोई नहीं सकता है। समस्या चलती रहेगी और निराकरण होता रहेगा जो भी समस्या है। अगर पार्षद को काम नहीं देंगे तो फिर क्या मजा आएगा हमको? किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? एक दो मिनट, किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? अरे भरत भाई कहाँ गए? भरत भाई पीछे ले लो। अरे भरत भाई का पूछ रहा है, आपके वार्ड से जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनसे किस तरह का विकास की उम्मीद कर रहे हैं आप? हम बिल्कुल विकास की उम्मीद करते हैं कि जवाहर नगर के लोगों को सुरक्षा कर ले, बस इससे ज्यादा और ना करें, बाकी जवाहर नगर लोगों का ध्यान। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? समस्या हमने देखी है वो है बैक लाइन के अंदर सीसी रोड की प्राथमिकता पहले हो, तो जो गार्डन में उजाड़ हो रहे हैं चकरी के बड़े से बड़े जीतने के बाद गायब हो जाते हैं।
का विकास भी करें और आगे भी और हमें विश्वास करें और आगे बढ़ेंगे और काम करके बताइए। जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, लाड़ दुलाल मिल रहा है, उत्सव जैसा माहौल हो गया है, क्या कहेंगे आप? मैं इसी वार्ड का, इसी जवाहर नगर का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है। कोई मुझ में पुत्र देख रहा है, कोई मुझ में भाई देख रहा है और मुझसे आशाएं हैं कि मैं इनके लिए कुछ करूँगा और मैं उन्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनका हर संभव प्रयास करूँगा, उनके मेरा समस्याओं के निराकरण से लेके उनके सुख दुख में भी मैं शामिल रहूँगा। तो आप लोगों ने सुना, वार्ड वासियों को भी सुना, वार्ड के प्रत्याशियों को भी प्रत्याशी को भी सुना और देखा कि किस तरह का लाड़ दुलार उन्हें मिल रहा है। लोग उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि जवाहर नगर और उनका वार्ड जो है गोकुल धाम बन जाएगा वॉइस ऑफ एमपी के लिए। जुल्फिकार बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी। ये था आपका अपडेट, लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।